हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो ऑफ कंप्यूटर साइंस क्रैश कोर्स और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अर्ली कंप्यूटिंग के बारे में कि ये कंप्यूटिंग स्टार्ट किस तरह से हुई और ये एनालॉग कंप्यूटिंग है क्या तो थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे हम यहां पे कि डिजिटल कंप्यूटर्स जो कि हम आज यूज़ कर रहे हैं उससे पहले किस तरह की कंप्यूटिंग होती थी Uh, ये इस वजह से ज़रूरी है इन चीज़ों को समझना बिकॉज़ दिस विल बिल्ड और फाउंडेशन के हम समझें कि कंप्यूटर के वर्किंग प्रिंसिपल्स क्या हैं और ये जो डायनेमिक शिफ्ट आया है कंप्यूटिंग में वो किस तरह आया है और ये जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं किस तरह से इवॉल्व हुए हैं सो so, इस वीडियो में uh, हम एक्सप्लोर करेंगे रूट्स ऑफ कंप्यूटिंग एंड द सिग्निफिकेंट माइल स्टोन्स दैट लेट द डेवलपमेंट ऑफ़ डिजिटल कम्प्यूटर्स डिजिटल कम्प्यूटर्स वो है जो के complex machines हैं जो कि कॉम्प्लेक्स मशीन् जिनको हम आज यूज़ कर रहे हैं बट उनकी वर्किंग को समझने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम हिस्ट्री में जाके एनलॉग कंप्यूटर्स को भी देखें जो कि सिंपल डिवाइस थी वहाँ से हम चीज़ों को बिल्डअप करके uh, कुछ कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट को सीखेंगे अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री ऑफ अर्ली कंप्यूटिंग हेल्प्स अस अप्रीशिएट द एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है जो कि काफ़ी एक्साइट करता है मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में क्योंकि अर्ली कंप्यूटिंग और जब आप आज की कंप्यूटिंग को देखते हो तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी ने ग्रो किया है और अगर आपको ये चीज़ें समझ आ जाती हैं तो आपको भी टेक्नोलॉजी से प्यार होने लगेगा एंड यू कैन फाइंड टेक्नोलॉजी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू तो लेट्स गेट स्टार्ट शॉर्ट वीडियो रखते हैं और इसको वाइंड uh, अप कर लेते हैं आज ही दी अबैकस सबसे पहला जो कंप्यूटर है एनालॉग कंप्यूटर है उसे हम कहते हैं दी अबैकस एनालॉग कंप्यूटर और कुछ नहीं है एक ऐसी मशीन है जिसमें हम कॉन्टिन्यूसली इनपुट दे इनपुट देते हैं अब इसमें अगर आपको बीड्स दिख रहे हैं तो बीड्स को मूव करने के लिए हमें इनपुट देना होगा जो कि कॉन्स्टेंट कॉन्टीन्यूस इनपुट होगा ऐसा नहीं होगा कि बीड को हम थोड़ा सा मूव करके लाइक फिर छोड़ेंगे फिर मूव कराएँगे हम इसमें कॉन्टिन्यूसली बीड को मूव करा सकते हैं तो ठीक है इसमें कैलकुलेशंस परफॉर्म होती थी शुरू में इट इट इज़ अ फेयरली सिंपल डिवाइस इसमें एडिशंस वगैरह कैलकुलेशन होती थी बाई मूविंग दीज बीड्स फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे आ, आ, कोई भी यूनिट्स की जगह पे कोई चीज़ ऐड करनी है तो मैं रेड को मूव करूँगा टेंस की पोजीशन पे कोई वैल्यू मुझे ऐड करनी है तो इसको एंड फॉर हंड्रेड एम गोना मूव दिस बीट तो आखिर में मेरे पास यहाँ पे जो बीड्स थे उनको कैलकुलेट करके मैं सम uh, या फिर डिफरेंसेस को कैलकुलेट कर सकता था तो ये इस तरह का, का काम करता था यहाँ मकसद सीखने का ये है कि कितनी बेसिक uh, चीज़ों से कंप्यूटिंग शुरू हुई है इसको हम प्रॉपरली uh, uh, रहने देते नहीं समझते क्योंकि uh, ये फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा लेकिन यहाँ पे आपको आइडिया मिल गया कि किस तरह अबैकस में कैलकुलेशंस परफॉर्म होती थी ठीक है दी अबैकस इज़ वन ऑफ दी अर्लीस्ट नॉन कंप्यूटिंग डिवाइसेस इट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ रॉड्स और वायर्स विथ बीड्स दैट कैन बी मूव्ड बेक एंड फर्थ तो इसको बेक एंड फर्थ हम मूव कर सकते हैं और इससे ही कैलकुलेशंस होती थी दी अबैकस वॉज यूज फॉर परफॉर्मिंग बेसिक अर्थमेटिक कैलकुलेशंस एंड इज स्टिल यूज इन सम कल्चर्स टूडे तो कुछ कंट्रीज में अबैकस शुरू में सिखाया जाता है ताकि स्टूडेंट्स को क्लियर हो सके कि कंप्यूटिंग अर्ली कंप्यूटिंग थी कैसी टू बिल्ड देयर फंडामेंटल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर्स ठीक है तो हमें ये चीज़ समझ आ गई कि अब एक्स क्या था एक फेयरली सिंपल डिवाइस थी जिसमें हम कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते थे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन uh, डिवीजन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था जस्ट प्लस एंड माइनस लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट थे ठीक है देन फिर हमारे पास आए मैकेनिकल कैलकुलेटर्स कैलकुलेटर्स वैसे uh, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कैलकुलेटर्स कहाँ से आ गए आपका जो कंप्यूटर है वो भी कैलकुलेशनस ही परफॉर्म करता है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होती हैं उनकी बेस्ड पे आपको बेस्ड ऑन दैट आपको वो रिजल्ट्स मिलते हैं और कंप्यूटेशंस परफॉर्म होती हैं ठीक है ठीके? तो अगर आपको यहाँ पे देख दिख रहा है तो ये मैकेनिकल कैलकुलेटर है इसमें आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक uh, कोई डिवाइस या चिप वगैरह नहीं दिखेगी ये सारे मूविंग पार्ट्स हैं तो Mechanical calculators were developed in the 17th century to automate arithmetic calculations. Arithmetic calculations, addition, subtraction, multiplication, and division. Okay. Blaise Pascal, Pascaline, and uh, Gottfried well, uh, Wilhelm. Uh, I don't know if I'm pronouncing correctly. You Stepped the rec uh, Reckoner were स्टप्ड रोर अर्ली मकैनिकल कैलकुलेटर्स ये इनके कुछ मुश्किल से नाम है लेकिन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है आ, तो उनमें से आप ये देख सकते हैं कि उनमें से एक ये है आपके सामने दीज मशीन्स यूज गियर्स लेवर्स कॉग्स टू परफॉर्म एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिज़न तो अबैकस में हमारे पास लिमिटेशन ये थी हमारे पास मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन का ऑप्शन नहीं था अब ये एनालॉग क्यों है अब बैकस में भी कॉन्टीन्यूस इनपुट था इसमें भी ये कॉन्टीन्यूस गेयर्स वगैरह की बात आ रही है तो ये भी कॉन्टीन्यूसली मूव करते हैं तो ये एनालॉग ही होगा डिजिटल जब आप चीज़ों की बात करते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इंक्लूड हो जाते हैं आगे चल के इनको डीप में पढ़ेंगे डोंट वरी एक दो लेक्चर जो अपकमिंग है उनके बाद आपके ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने जाएंगे कि आजकल के जो कंप्यूटर्स हैं वो किस तरह काम करते हैं एक्चुअली ठीक है तो ये आपको मैकेनिकल कैलकुलेटर्स समझ आ गए देन हमारे पास जैकट लूम एक मशीन है जो कि ऑटोमेट करती है पैटर्न वगैरह को फॉर एग्जांपल अगर आपने टेक्सटाइल मशीन्स देखी होंगी तो वो वेविंग पैटर्न्स वगैरह होते हैं जिसमें वो जो थ्रेड्स होते हैं उनको प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ वेव किया जाता है So Jacquard loom developed in the early 19th century was a precursor to automated computing. He automated computing ki buniyad is, de is device ne rakhi. Thayke, once again gears wagera, electronic component koi nahi hai. This is also a analog an analog computer. We ise computer bol sakte hai. It used punch cards to control wavering of complex patterns. क्योंकि उस टाइम पे स्टोरेज नहीं था तो इसको इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हमें पंचड कार्ड यूज़ करने पड़ते पर, थे दिस इज़ दी पंच कार्ड जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कोई मेमोरी कार्ड वगैरह नहीं था और इसमें अगर आपने ये पंच होल्स आपको दिख रहे हैं ये साइड में तो ये एक पर्टिकुलर पैटर्न में होते थे जो कि रिप्रजेंट करते हैं किसी डेटा को ठीक है तो ये डेटा को स्टोर करता था पंच कार्ड द कन्सेप्ट ऑफ यूजिंग पंच कार्ड्स फॉर इनपुट एंड कंट्रोल वुड लेटर बी एडॉप्टड इन अर्ली कंप्यूटर्स आगे चल के पंच कार्ड को हम देखेंगे कि किस तरह इसने रेवोल्यूशनइज किया और कुछ डिजिटल कंप्यूटर्स में भी इस चीज का इस्तेमाल होने लगा फॉर नाउ यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि पंच कार्ड कुछ इस तरह देखता है और दिस वॉज अ रेवोल्यूशनरी थिंग जो कि काफ़ी टाइम तक कंप्यूटर्स में देखने को मिली थी चार्ल्स बेबेज एंड एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटिंग मॉडर्न कंप्यूटिंग का फादर भी बोला जाता है चार्ल्स बेबिच कंसिडर फादर ऑफ कंप्यूटिंग डिजाइंड एनालिटिकल इंजन इन द मिड नाइनटीन सेंचुरी द एनालिटिकल इंजन वॉज मैथमेटिकल जर्नल पर्पज़ कंप्यूटर दैट यूजड पंचड कार्ड्स फॉर इनपुट एंड हैड अ मेमरी यूनिट अब यहाँ पर आप देखें यहाँ पर भी पंच कार्ड्स यूज हो रहे हैं इस मशीन में लेकिन नई बात यहाँ पर क्या है वो ये है कि इट इज़ अ जर्नल पर्पज़ कंप्यूटर इसमें हम बियॉन्ड अर्थमेटिक ऑपरेशन भी चीज़ें कर सकते हैं लेकिन यह कॉम्प्लिकेटेड था ऑल दो एनालिटिकल इंजन वॉज नवर बिल्ट इट लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कॉन्सेप्ट क्योंकि इसमें मेमरी का कॉन्प्ट आ गया था जो कि मॉडर्न कंप्यूटर्स में हमारे पास है बट उस टाइम पे इस तरह का गियर वगैरह अवेलेबल नहीं था तो ये मशीन कभी बन नहीं पाई और ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये चार्ल्स बेबेज के बाद ही इसको बना के म्यूजियम में रखा गया था तो देन वी हैव टेबलेटिंग मशीनस इन द लेट नाइन्टीन सेंचुरी हर्मन हॉलिट्स इन्वेंटेड टेबलेटिंग मशीन्स फॉर प्रोसेसिंग डेटा यूजिंग पंचड कार्ड्स वंस अगेन हमें पंचड कार्ड्स देखने को मिलते हैं ये आप देख सकते हैं ये पंच कार्ड पड़ा हुआ है दीज मशीन् यूज इन दिन नाइनटीज यूनाइटेड स्टेट्स सेंसस अब ये जो सेंसस uh, किया गया था लाइक काउंटिंग द पीपल ऑफ कंट्री अब इसको उर्दू और हिंदी में इसके डिफरेंट वर्ड्स हैं तो मैं वो uh, नहीं जा रहा उसमें तो लेकिन ऐसा ऐसा कहते हैं कि लाइक like, पॉपुलेशन uh, को गिनना सेंसस आप गूगल कर सकते हैं टू नो इट कि आपकी लैंग्वेज में उसका क्या मतलब बनता है सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर डेटा प्रोसेसिंग हॉलीडेज टेबिल रेडिंग मशीन्स फॉर्म द बेसिस ऑफ अर्ली डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम्स अब ये जो मशीन्स आ गई पहले हम uh, वो क्या करते थे कि सेंसस में वो मैनुअल डेटा को रिकॉर्ड करते थे लाइक बुक्स वगैरह पे लिखना उसमें एरर्स भी आ जाते थे लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें ऑटोमेट हो चुकी थी तो इसके बाद कंप्यूटिंग uh, की अहमियत को काफ़ी वाजे तौर पे समझा गया कि किस तरह कंप्यूटिंग हमारा टाइम बचा सकती है टाइम एंड एफर्ट दैन एलन ट्यूरिंग एलन ट्यूरिंग इज़ प्रोमिनट फिगर वैन इट कम्स टू कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर हिस्ट्री आप इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा इनकी पर्सनैलिटी को एंड थियोरेटिकल कंप्यूटिंग एलन ट्यूरिंग मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू थियोरेटिकल कंप्यूटिंग इन अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी ट्यूरिंग प्रपोज दी कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल मशीन लेटर नोन एज द ट्यूरिंग मशीन कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एनी कंप्यूटेबल टास्क तो उसी टाइम में एलन ट्यूरिंग ने वहाँ पर एक थियोरेटिकली बताया था कॉन्सेप्ट दिया था यूनिवर्सल मशीन का या ट्यूरिंग मशीन का जो कि कैपेबल है कोई भी कंप्यूटेशनल टास्क को परफॉर्म करने के लिए जैसे कि आप आज कल आर्टिफिशल इंटेलिजेंस को देख रहे हैं His work laid the foundation for the development of digital computers. Back then ये सोचा जाता था कि computers uh, सिर्फ calculate ही कर सकते हैं, ये general चीजें नहीं कर सकते। हैं. Like आज हम media play कर रहे हैं, uh, एक पूरा lifetime companion हो चुका है हमारा smartphone भी। तो smartphone भी एक computer ही है। तो back then ये सोचना भी impossible था। So इस video में हमने देखा कि Early computing devices such as abacus and mechanical calculators were predecessors to modern computers. The Jacquard loom introduced the concept of using punched cards for control. Punched card का हमारे पास पहले idea आया था Jacquard loom का। इस machine के बारे में आप अगर अपने हिसाब से पढ़ना चाहते हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। Otherwise, जितनी भी knowledge इस video में हमने cover की है, that is enough. और इससे हमारे फाउंडेशन हमारी बनेगी कि हम डिजिटल कंप्यूटर को समझेंगे जो कि हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम चीज़ों को कवर करेंगे चार्ल्स बेबिच uh, की जो एनालिटिकल इंजन थी और हर्मन uh, हॉलेथ uh, की टेबलेटिंग मशीन उन्होंने एडवांस किया कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज़ को हर्मन हॉलेथ का जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी यू एस सेंसस में टाइम एंड एफर्ट बचा था एलन एंड ट्यूरिंग्स थियोरेटिकल वर्क प्लेड अ क्रूशल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स सो दिस was ऑल uh, for today. आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आ गया होगा इसमें हमने दो मशहूर पर्सनैलिटीज़ का जिक्र किया था एलन इन एंड चार्ल्स बेबेज जो कि uh, बहुत ज़्यादा ये नाम आपको सुनने को मिलेंगे सो वंस अगेन आपने बहुत कुछ आज नया सीखा इस वीडियो में इट वॉज क्वाइट अ शॉर्ट वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसी uh, सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए कि हाउ दिज एनालॉग मशीन्स फॉर्मड दी फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटिंग और डिजिटल कंप्यूटिंग किस तरह एनालॉग कंप्यूटिंग से डिफरेंट है अगर एनालॉग कंप्यूटिंग आपको अभी भी समझ नहीं आई नो वरीज हम आगे चल के इसको थोड़ा रिव्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एंड यू विल गेट अ क्लियर कंसेप्ट ऑफ एनालॉग कंप्यूटिंग थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आइज एंड गोना कैच यू गाइज इन द नेक्स्ट वन